है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माधव एजुकेशन हब। है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। है दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ SSC CHSL में जो 22 तारीख को पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 व 31 किस से संबंधित हैं? कपिल धारा जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पे स्थित है। दीनदयाल योजना की शुरुआत किस मंत्री ने की थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। चोल वंश के प्रथम मान राजा का नाम क्या था? क्वेश्चन ये था। फैक्टोरियल 129 में कितनी जीरो आएंगी, ये भी क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का। एक क्वेश्चन आया था, निम्न श्रृंखला को पूरा करो, 12, 17, फिर 21। इसमें पहले 5 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा, अब 3 जोड़ेगा, तो शायद मेरे हिसाब से 24 आंसर आना चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में करें और कोई तरीका हो तो प्लीज़। और दो क्वेश्चंस आए थे इनके एंटोनियम बताओ, दो नहीं तीन आए थे और एक सिनोनियम का आया था। तो दो एंटोनियम पता है, एंटोनियम का थावर्ट का और एनिल, इनका आपको एंटोनियम बताना है। ईडियम फ्रेज आई थी कम इन हैंडी। और ये क्वेश्चन आया था मैथ का अपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रिलेटेड, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन आए उनके आंसर हम आपको दूसरी वीडियो में ऑनलाइन सॉल्व करके बता देंगे। यदि आपको सॉल्यूशन देखने हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें, तो हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल थे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।